give up my suggestions if you're planning Goa trip. I think अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दो जगह हैं, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा. तो आई थिंक आपको एक टाइम पे एक ही जगह करनी चाहिए, मतलब या तो आप नॉर्थ गोवा के लिए प्लान करें या फिर आप साउथ गोवा के लिए प्लान करें. आई थिंक दोनों जगह थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, मतलब अगर आप वैकेशन पे आए तो मतलब इतना स्ट्रेस क्यों लेना. तो या तो आप नॉर्थ गोवा, भले आप कम दिन के लिए आए, बट या तो एक नॉर्थ गोवा या तो साउथ गोवा. जैसे कि आपने वीडियोस में देख लिया, नॉर्थ गोवा मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है एंड बहुत पार्टी प्लेसेस है वहाँ पे. अब अगर आप साउथ गोवा देखोगे तो बहुत ही शांत जगह है, मतलब यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ये टूरिस्ट प्लेस है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं एंड जो भी होते हैं वो बीचेस के साइड होते हैं, वो वहाँ पे अपने देखा कि कम होते हैं. फर्स्ट सजेशन तो यही है कि आप नॉर्थ गोवा जाए या फिर साउथ गोवा जाए, दोनों एक ही ट्रिप में प्लान ना करें. ओके, सेकेंड टिप इज़ अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ऑलरेडी प्लान करके आए कि फर्स्ट डे पे क्या करना है आपको, सेकेंड डे पे क्या करना है. मीन्स लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट 11 बजे पहुंचती है तो आप कितने बजे तक निकलोगे एंड उस दिन आपको क्या क्या घूमना है, तो वो सब प्लान करके आओ. तो और उसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करना जो आप कवर कर सकते हो वहाँ पे आजू बाजू में. तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सी प्लेसेस हमको कैंसिल करनी पड़ती है और बहुत सी चीज़ें जो हमें करनी थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी. तो आप अगर आप एक दिन फर्स्ट डे पे नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको डे वाइज उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे. तो देट वॉज माई सेकेंड सजेशन. एंड थर्ड सजेशन इज अबाउट द रूम. तो आई थिंक आपको मतलब हमने दोनों टाइप के रूम्स में देखा रह के, मतलब एक नॉन एसी और बहुत ही लो बजट में, एंड अनदर वन इज़ दिस रूम विच इज़ एसी एंड ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन एंड आई थिंक ये आपको फॉलो करना ही चाहिए. तो आपको जो रूम्स लेने हैं वो विद ब्रेकफास्ट ही ले, एंड इफ़ अगर आपके बजट में आ रहा है तो विद एसी ले. आई थिंक ये दोनों ऑप्शंस अगर आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आपको और अच्छा होटल मिलेगा आपको. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब उस होटल के कंपैरिजन में. वहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ गोवा है तो बहुत ज़्यादा शोर भी था और साइड में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो एंड वहाँ पे एकदम पीजी हॉस्टल जैसा फील आ रहा था. मेन पॉइंट तो यही है कि मेरा कि आप ब्रेकफास्ट के साथ लें, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लेते हो तो उनका एक्चुअली टाइम रहता है कि सुबह 9 बजे या फिर उसके पहले वो लोग ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं. तो अगर आप वैसे लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब लोग, या फिर अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली सब लोग टाइम पे उठ जाएंगे और टाइम पे आपका डे शुरू हो जाएगा. तो इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है. एंड एसी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप थक के आओगे तो एसी आपको तुरंत रिलैक्स कर देगा. तो ये अगर आपके बजट में आ रहे हैं तो करो, मतलब ज़्यादा नहीं बट ठीक है आप कर सकते हो. और अगर आप ऐसा रूम लेते हो तो आपको इसमें टीवी इंक्लूड मिलेगा, मतलब हमारे इसमें नेटफ्लिक्स भी उन्होंने दिया हुआ है पूरा. तो ऐसे कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं अपने को. सो आप ऐसा होटल देखिए, हो सकता है मे भी ये आपको बीच के पास ना मिले. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऐसा होटल ही बुक करें. सो नेक्स्ट सजेशन इज़ अबाउट द ट्रैवल. तो यहाँ पर आपको ट्रैवल कैसा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है. अगर आपको कम बजट में ही करना है तो फिर आपको स्कूटी हायर करनी पड़ेगी. तो स्कूटी हायर के चार्जेस 400-500 डिपेंड्स ऑन द स्कूटी एंड सीजन, कौन से सीज़न में आप आ रहे हो. तो वो आई थिंक सबसे ज़्यादा चीप है और आपका खुद का प्राइवेसी भी मिलता है उसमें, मतलब आप कभी भी कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, कभी भी वापस आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो वो आप कर सकते हो बट कभी कभी कुछ केस में, मतलब हमने भी स्कूटी हायर किया था बट फर्स्ट डे पे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो. तो फर्स्ट डे पे पूरा बारिश हुई तो हमने स्कूटी तो हायर कर ली बट जा नहीं सकते थे, तो हमें कैब करना पड़ा. तो कैब्स का ऑप्शन आपको अगर लेना हो तो आपको बीच के पास जाना पड़ेगा. बीच के पास वहाँ पे काफ़ी सारे कैब्स अवेलेबल रहेंगे और लोग आपसे पूछते रहेंगे, तो आप उनसे थोड़ा सा बार्गेन करके आप हायर कर सकते हो कैब. ओके, सो अनदर सजेशन इज़ आपको
कब अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। देखो अब जितना टाइम लोगे उतना कम ही है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आपने डिसाइड किया पूरा वैसे ही होगा, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। बट आप ट्रेन का टाइमिंग, होटल बुकिंग, ये सब तो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस टाइम पे बुक कर रहे हो। हो सकता है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चेकआउट तो होटल से 11 बजे, हम स्टेशन भी जल्दी पहुंच जाएंगे, बट हमारी ट्रेन वो टाइम पे तो नहीं आएगी, हमारी ट्रेन शाम को आएगी एक्चुअली। तो ये सब सिनेरियोस होते रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा पूरा दिन। तो आप अगर बहुत ही जल्दी प्लानिंग कर रहे हो तो सब बुकिंग्स वगैरह आपको देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बजट। तो अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो या कौन सी भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली आप कुछ बजट डिसाइड करोगे कि मतलब यहाँ तक इतना तक खर्चा करना है। तो आई थिंक कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते, तो ऐसा आप सोच के मत आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आए हो घूमने आए हो एंजॉय करने आए हो तो आई थिंक पैसा तो खर्चा होना ही है। तो जितना आप बजट ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कभी कुछ क्या प्रॉब्लम्स हो जाए और कब पैसा देना पड़े कब। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे के वीडियो में हमने स्कूटी हायर कर ली, बट बारिश हुई तो हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना था बुकिंग साथ, तो हमें कैब करनी पड़ी, तो दोनों पैसा हमको भरना पड़ा। तो कभी भी कहीं पे भी अपना अगर टाइम ख़राब हो तो पैसा वेस्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप प्लान करना। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको कुछ सजेशन है, आपको कुछ और पॉइंट्स बताने हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, एंड यस सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।